गाइस, दिस इज योर होस्ट टैंकी कनिष्का गुला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो में कुछ जरूर नया होगा, तो आज नया जरूर है, बिल्कुल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू जिस प्रोडक्ट को और जो ब्रांड है मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ों से क्लेम कर रहे हैं, अच्छे रिव्यूज ले रहा है। और मैंने क्यों ना सोचा कि मैं भी उन प्रोडक्ट्स को लेकर और कुछ ट्राई करूँ एंड देन आपके साथ में रिव्यू शेयर करूँ। तो मैं आप लोगों के साथ में एक वेरी अमेजिंग से प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बट ये प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो इसलिए है क्योंकि आप अगर कुछ भी फ्यूचर में परचेज करते हैं रिगार्डिंग टू दिस ब्रांड और दैट ब्रांड, जो भी ब्रांड होते हैं, अगर आप उसको खरीदने से पहले एक छोटा सा रिकैप वीडियो का देख ले तो ज़रूर काम होने वाला है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से प्रोडक्ट पे। तो लेट्स इंट्रोड्यूस दिस वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट जो मैं सुनकर जिसे बहुत मुझे अच्छा लगा। सो शुड वी बिगिन दैट? राइट। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है मामा अर्थ केयर आर्गन हेयर मास्क विद द आर्गन एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन। सो लेट्स ट्राई दिस। पहले तो उसकी पैकेजिंग के ऊपर बात करेंगे एंड देन उसके बाद में आई शुड ट्राई ऑन माई हेयर्स। आप लोग देख रहे होंगे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे हैं, तो मैंने अभी तक हेड वॉश नहीं करा था इस वीडियो के लिए स्पेशली। मैंने सोचा कि इसे ट्राई करूंगी देन आपके सामने हेड वॉश करके दिखाऊंगी कि हाउ इज दैट रिव्यू एंड ऑल, है ना। तो शुरू करते हैं। अभी इसकी टेपिंग वगैरह भी मैंने नहीं खोली है, बट बिफोर स्टार्टेड हम इसके थोड़ा सा ऊपर के ऊपर थोड़ा सा आपको मैं क्लोजअप करके दिखा देती हूँ उसे। यू कैन सी दिस, राइट। सो ये मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क जो है विद द आर्गन एंड एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन, तो ये बहुत सारी चीज़ों में क्लेम कर रहा है। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ मामा अर्थ एक वन ऑफ द गुड ब्रांड है जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में और बहुत अच्छी चीज़ें क्लेम कर रहा है एंड गुड रिव्यूज इन द मार्केट, राइट से ना, राइट। सो मार्केट में अच्छे रिव्यूज होने के साथ साथ में मैं भी एज एन अ यूजर मैं इसका एक प्रोडक्ट यूज कर रही थी एंड आई एम टोटली लविंग दैट, क्योंकि उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करा विच इज द विटामिन सी सीरम मामा अर्थ का। सो दैट्स लाइक आई एम बीन यूजिंग आई थिंक 3 to 4 days, मैं तीन से चार दिन से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लाइक नथिंग ऑन माई फेस एंड मैं आई ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं अपने फेस पे कम से कम मेकअप अप्लाई करूँ, कम से कम चीज़ें रखूँ। सो दैट्स द रिव्यू। बट हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं इस पे मामा अर्थ पे और आर्गन हेयर मास्क पे। सो स्टार्ट करने से पहले इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं। बॉक्स पे क्या लिखा हुआ, फॉर फ्रीजी हेयर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग हेयर। तो राइट, आई डू हैव द फ्रीजी हेयर्स और स्ट्रॉन्ग हेयर्स तो मेरे को ज़रूरत होती है, इवन दो मुझे क्या किसी लड़के लड़की को एवरी वन कैन लाइक नीड दिस। तो इसके अंदर क्या है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड विद द बायो एक्टिव्स है। सो दीज जो रिकमेंड कर रहे हैं और जो ये क्लेम कर रहे हैं तीनों चीज़ों पे, पैराबेंस फ्री। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ हो गई है कि पैराबेंस फ्री कर देते हैं, बट सम ऑफ द ब्रांड्स वो पीछे छुपा छुपा कर डाल देते हैं, बाद में पता नहीं रहता क्या होता है क्या नहीं होता। सो ओके, प्राइसिंग की बात भी मैं अभी करूँगी, मैंने इसे कितने में ख़रीदा है और क्या चीज़ें हैं, बट जल्दी से बिकॉज इस वीडियो को मुझे बहुत कम टाइम में ख़त्म करना है। तो इस वीडियो पे यहाँ पे है की ऑफ द इंग्रेडिएंट्स क्या करना है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो लोगों की बहुत ज़्यादा गलत फहमी है उसको मैं निकाल देती हूँ। पीपल आर सेइंग कि हेयर मास्क को हमें हेड वॉश के बाद यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग हेड वॉश के बाद उसे एज इन कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं बिकॉज सेम कंसिस्टेंसी और सेम चीज़ लगती है देखने में, है ना, वाइट वाइट अलग कलर की पता लग जाते हैं। तो बट ऐसा नहीं है, हमेशा हेयर मास्क को विदाउट, जैसे आप हफ्ते में अगर एक बार ऑयलिंग करते हैं, वंस इन अ वीक आप ऑयलिंग करते हो या ट्वाइस इन अ वीक ऑयलिंग करते हो, तो बाकी के एक दिन में आप ऐसा कर सकते हो, वंस इन अ वीक यू कैन यूज़ दिस। उसके अंदर कैसे कि आपके बालों में ऑयल ना लगा हुआ हो, और हेड वॉश करने से विद इन लाइक हाफ एन आवर पहले यू कैन अप्लाई ऑन योर हेयर्स। जैसे मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे कैसे करना है, तो यू कैन डू द सेम थिंग। सो ये वेल द मार्केटिंग एंड कंपनी इसकी गुड़गांव के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप लोग जाकर देखकर भी आ सकते हैं, वो तो विजिट करना एज इन द कस्टमर यू कैन श्योर डू दैट। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ यूज में लिखा हुआ है टिप्स ऑफ द हेल्दी एंड फ्रीजी हेयर्स है हु इज सुटेबल फॉर। ऑलराइट, सो हम डायरेक्शन ऑफ यूज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ यूज में लिखा हुआ है पार्ट योर हेयर इन अ टू हाफ, राइट, लेफ्ट एंड राइट, ओके, एंड टेक अ पाम और द फुल ऑफ हेयर मास्क एंड अप्लाई इवनली टू द रूट एंड टिप, ठीक है। लीव द मास्क 15 to 20-25 minutes एंड बिफोर वॉशिंग इट
off with a sulfate free shampoo. The most important thing is that the sulfate free shampoo. Well, मैं आपको बताऊं guys, ये जो sulfate free shampoo है, हम जो shampoo use करते हैं, सभी shampoos के अंदर sulfates आता है. So of the shampoos जो sulfate free shampoos बना रहे हैं, that's a good result. I must say, आपको normal shampoo के comparison में sulfate free आपको लगेंगे थोड़े से light है, बालों में पता नहीं लग रहा है shampoo use कर रहे हैं, but I use that, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ. और for the extra dry and frizzy hair, use this mask twice in a week. तो मैंने बताया हफ्ते में दो बार यूज कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट हैव टाइम तो यू कैन यूज दिस मास्क वंस इन अ वीक. मैं तो हफ्ते में तीन बार भी यूज कर सकती हूँ. सो उसके अंदर नेक्स्ट है टिप्स फॉर द हेल्दी फ्रीजी हेयर्स. ओके, मसाज द स्कैल्प विद द ऑयल एंड द हेल्दियर हेयर फॉर द एटलीस्ट वंस. एज आई टोल्ड यू कि हेयर ऑयलिंग करना हेयर्स को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट इज द बायोटिन हेल्प्स रिड्यूस हेयर फॉल एंड स्ट्रेंथन रूट्स. डो ड्राई और द आयरनिंग, ये हम लोगों के लिए तो मैं बोल सकती हूँ, इवन दो मैं बहुत बचती हूँ, बट व्हेन आई एम गोइंग टू द इवेंट और व्हेन आई एम गोइंग टू द लाइक माय शोज, तो आई यूज टू डू, मेरे को हेयर्स पे कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है. तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहती हूँ, बट स्टिल इसके अंदर लिखा हुआ है कि कम से कम कोशिश करे, ट्राई करे, कम से कम बालों में हीट लगे आपके. ट्राई टू डू दैट कि हीट्स कम पड़े, हेयर ड्रायर का कम से कम यूज करे. लाइक होप यू गेट इट ना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ. सो नेक्स्ट है हु इज सुटेबल फॉर, किस किस के लिए ये सही है. तो सही है ये मेन्स एंड वुमेन्स के लिए, महिलाओं और क्या बोलते हैं, हाँ, आदमी और औरतों के लिए, महिलाओं और मर्दों के लिए, ये सभी ऑल टाइप के एजेस के लिए दे कैन अप्लाई. नेक्स्ट, ड्राई डैमेज कलर्ड एंड केमिकल ट्रीटेड हेयर्स. वेल, ड्राई हेयर्स जिनके बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा लो, कुछ भी कर लो, तेल की बॉटल पलट लो, पर वो बाल ड्राई के ड्राई ही रहते हैं. डैमेज लाइक डैमेज, ये नहीं डैमेज, हीट से डैमेज हो जाते हैं, कुछ एंड से डैमेज रहते हैं, तो यू कैन यूज दैट कलर्ड हेयर एज माई हेयर्स इज कलर्ड. एंड केमिकल ट्रीटेड हेयर लाइक जिन लोगों ने कैरेटिंग करवा रखी है, रिबॉन्डिंग हो रखी है, स्मूदनिंग हो रखी है, ना अदर हेयर ट्रीटमेंट्स करवा रखे हैं, दे कैन यूज दैट. नेक्स्ट है सूटेबल फॉर द ऑल हेयर टाइप, स्पेशली फॉर द कर्ली हेयर्स. सो जिनके कर्ली हेयर्स हैं, दोज हु आर द लाइक स्पेशल वन फॉर यू. ओके, सो मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली है, नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस. तो मामा अर्थ आर्गन हेयर मास्क with the argan avocado oil and milk protein for the frizzy hairs and the strong hair. As I told you, जो मैंने बाहर पढ़ा वही सब चीज़ें अंदर मिल रही है मुझे पढ़ने को, और direction of use भी वही same लिखा हुआ है. बस specially इसके नीचे लिखी हुई damage, repair damage hair, reduce frizziness and suitable for the treated and curly hairs. So, all right. So you can see this product. सो अब बारी है इसे मुझे अपने हेयर्स पे ट्राई करने की. तो मैं एज पर द डायरेक्शन जो उसके अंदर दे रखी है, तो थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं. खुल जा, सेम सेम, वाओ, नाइस पैकेजिंग मैन. मैंने अभी तक जो भी मास्क यूज़ करे हैं सभी में ऐसा कुछ नहीं था, ये तो टिफिन टाइप का कुछ है, क्या बोलते हो उसे, हाँ टिफिन ही बोलते हैं. खुल गया, यस, इसमें पता कैसी स्मेल आ रही है, एज लाइक ना पीओपी. सीरियसली, इससे पेंट होता है ना घर में, जब पीओपी और उसकी वॉल पुटीज की स्मेल आती है, वैसी है. बट डोंट वरी, जब इन्होंने क्लेम करा है और तो, एंड वन मोर थिंग, 100% वेजिटेरियन, तो दोज हु आर द वीगन एंड वेजिटेरियंस, दोज हु आर द लाइक शाकाहारी, तो उनके लिए ये मास्क बिल्कुल प्रेफरेबल है.
मैंने अपने बालों पे लगा लिया है हेयर मास्क और अच्छे से इसे टाई कर लिया है और फॉर द 20 to 25 मिनट्स सो आई विल बी बैक विद इन 25 मिनट्स मतलब आपके पास में तो मुझे सेकेंड्स में आ जाएगी बट आई कैन जस्ट टेक दिस मास्क ऑन माई हेयर एटलीस्ट 25 मिनट्स वैसे तो दे आर रिकमेंडेड कि आप ड्राई ना करें ब्लो ड्राई ना करें हेयर बट आई थॉट टू बी कि मैं एक बार देखती हूँ लेटेड भी कि ड्राई होती नहीं बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है बाल ड्राई अपने आप हो जाएंगे और ज़रूरत नहीं है ड्राई करने से क्या होता है जब भी हम कभी ड्राई करते हैं हेयर्स को तो हमने ऑलरेडी जो बालों को मॉइस्चर दे रखा है वो उग जाता है उससे बाहर से तो ट्राई की लाइक कि कम से कम बालों को हेयर ड्राई किया जाए आर्गन हेयर मास्क फ्रॉम द मामा अर्थ केयर और इसके रिव्यूज के ऊपर बात करते हैं स्मेल लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि स्मेल कैसे था इसका और लाइक और वॉश करने के बाद में हेयर जस्ट फील लाइक अ वेरी वेरी लाइक सॉफ्टर एंड वेरी फाइनर मैं हाथ डाल दू एंड विदाउट एनी ब्रिटिश उभार आ रहे हैं एज मैंने आपको प्राइजेस नहीं बताया इसके क्या प्राइजेस है इसके प्राइस थे 599 रुपीज बट फॉर माई गुड लक एज ऑलवेज मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसी चीजें परचेज करती देयर वुड बी एन ऑफर तो मैंने जब परचेज किया था यहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था सो इवन दो आई परचेस्ड दिस वाइटमिन सी सीरम फ्रॉम द मामा अर्थ एज आई टोल्ड यू स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम दैट्स अ वेरी अमेजिंग गुड रिजल्ट और इसके साथ ही मुझे ये मिला था So buy one get one free with the Mama Earth Care, and that's a good sign for me, guys. That's totally a good thing for me. For being using this, and I'm loving this. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे use करके. बस sulfate free shampoo का ये है कि once you are using sulfate free shampoo ना, तो कुछ time आपको बहुत अजीब लगेगा. Like you feel like कि आपने कुछ shampoo करा ही नहीं है, बालों में oil रह गया like that. But still, जब भी हम इसे use करने लगे, that's become our like lifestyle of it. प्राइस कम टू दिस 599 रुपीज जो मैंने इसे खरीदा था लाइक बाय वन गेट वन फ्री तो मुझे ये पड़ा है जस्ट रुपीज 300 रुपीज तो 300 रुपीज का दिस मास्क आई थिंक आई एम मस्ट श्योर इट्स नॉट बैड अमाउंट एंड इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट सो आई एम जस्ट गिविंग द रेटिंग इज जस्ट लाइक 10 out of 9 वन इज लाइक इसकी द फ्रेग्रेंस बहुत अजीब सी है जस्ट लाइक आई फील कि फ्रेग्रेंस में कैसे है इसके अंदर पीओपी जैसी स्मेल है पीओपी जैसी फ्रेग्रेंस है सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस सो गाइज आई एम वेरी मच श्योर यू श्योरली लाइक दिस वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज डू लाइक प्लीज डू कमेंट योर वैल्यूएबल रिव्यूज आपको कैसी लगी वीडियो और मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप लोग मुझसे कनेक्ट करें और प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल वन मोर थिंग मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कुछ क्विज रखूंगी जो भी मेरे क्विज का आंसर करेगा एंड दोस्त हुआ द विनर्स एंड अर्लीस्ट विनर तो मैं उनको एक गिव अवे पहुंचाऊंगी जो एज द लॉकडाउन इज ओपन तो शायद डिलीवरी सर्विसेज भी ओपन हो चुकी है तो मैं आप लोगों के लिए प्लीज एक कुछ अच्छा सा कुछ हैंपर से गिफ्ट करूंगी सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप उस चीज के लिए बी अटेंटिव इन माई वीडियोज बी अटेंटिव इन माई कॉन्टेंट एंड बी अटेंटिव इन माई सोशल नेटवर्किंग साइट यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम @ankilkanishka नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे प्लीज मेक श्योर कि मेरे गिव अवे के क्वेश्चन मेरी प्रीवियस वीडियो से भी हो सकते हैं या फिर मेरी अर्लीस्ट वीडियो से भी हो सकते हैं जो आने वाली वीडियो है तो आई एम मस्ट श्योर आप लोग मेरे साथ मैसेज कनेक्ट करेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज गॉन बी वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट एंड वन मोर थिंग दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो तो गाइस जल्दी से जाइए अगर आपको ये प्रोडक्ट की वीडियो अच्छी लगती है एंड यू लाइक दिस वीडियो परचेज करने का लिंक मैं दे दूंगी परचेज कर सकते हैं और देयर इज अ गुड ऑफर जो अभी मामा अर्थ ने चला रखा है तो आप वहां जाकर परचेज करें देयर इज अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट अ ह्यूज प्रोडक्ट रेंज लाइक द स्किन केयर द बॉडी केयर द हेयर केयर इवन द बेबी केयर ऑल्सो तो
तो जिनके अभी छोटे पास में जिनके पास में छोटा सा बेबी न्यू बॉर्न बेबी है या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज जाइए जल्दी से जाकर मामा अर्थ केयर पे, वहां से बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू श्योरली लाइक दिस। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड प्लीज जाते जाते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।